ये नहीं आने दे रहा ना आपको। गाली बकरा बन गया, ये रिश्वत लेगा फिर आने देगा। ये नहीं घुसने देगा सर आज आपको। इसका तो ये क्या है, ये तो मुर्गों का वो बन गया है सरताज। अभी तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया है। रिएक्टिव है ना, गुड वे मतलब। अब आज के ब्लॉग में हम चीजें थोड़ी उलट पलट करेंगे, क्योंकि 16 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जो आज तक पीपल फार्म की हिस्ट्री में नहीं हुआ। और मैं कुछ सेंसेशनलाइज नहीं करा, बात बहुत ही दिलचस्प है लेकिन लंबी है, इसलिए हम उसको रख रहे हैं एंड में। और अब हम चीज़ों को हिला ही रहे हैं, तो हम 18 तारीख को पहले दिखाएंगे, क्योंकि उस दिन बड़े सारे एनिमल्स के अपडेट्स हैं। और अगर आप पूरा ब्लॉग नहीं भी देखते तो कम से कम आपको एनिमल्स की हेल्थ का तो पता लग जाएगा। अब की यार तो गर्मियाँ फरवरी में ही शुरू हो गई हैं यहाँ पे। यस सर, ग्लोबल वार्मिंग। हे ज्योति, इसकी नाक से खून आ रहा है यार। 3 दिन का और इसका एंटीबायोटिक बचा है, होपफुली इन्फेक्शन क्लियर आउट हो जाए, फिर हम बायोप्सी कराएंगे। कौन सा मेडिकेशन यूज़ करना है फॉर कीमोथेरेपी वो डिसाइड करना है हमें। यार एक बात बताओ, ये जो ट्विस्टेड है, इसको जो हमने पट्टी कर रखी है, इसका जो लटका हुआ पंजा है वो अंदर ही है। वो हम क्यों नहीं हटा सकते? सर बहुत ज्यादा मसल जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन से जुड़ा हुआ है? एकदम नहीं है ना, मसल भी जुड़ा हुआ है अभी, एंड वो बहुत पेनफुल हो जाएगा इसके लिए। तो एक ही एम्पुटेशन हम सीधा इसकी करेंगे जब एक बार इन्फेक्शन। कुछ अपडेट है जैसे कि आहार जो है उसको कीटोसिस, जो कि लेकिन सिंपल वर्ड में बोलूँ तो शी ऑल लाइक ऑलमोस्ट अ डाउन काउ ना, बहुत वीक हो गई है क्योंकि वो खा नहीं पा रही। खा रही है, हम उसको एक्स्ट्रा फीड दे रहे हैं। जैसे हम काउ उसको एक बार फीड देते हैं दिन में, हम इसको 2 बार देते हैं विद एक्स्ट्रा ग्रीन ग्रास भी देते हैं। ये जुगाली इतना फास्ट क्यों कर रही है? यूजुअली तो ये बड़ा धीरे धीरे से आटे की चक्की की तरह चलते हैं। आटे की मुझे मैनुअल चक्की होती है, नहीं ये फास्ट नहीं कर रही। फास्ट कर रही है, मैंने पहले कभी उसको ऐसे इतना वो करते नहीं देखा। इसे च्युइंगम चबा रही है तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ये रिकवर हो रही है अच्छे से, मतलब विजुअली तो रिकवर हो रही है। लेकिन आप देखो उसका बॉडी वेट डाउन हो रहा है ना, और बेड सोर्स हो रहे हैं। सोर्स क्या होते हैं ज्योति? मतलब बेसिकली वही जो ये इन्फेक्शन है, जो ये इसको अंदर से खा रहा है। सोर्स? सॉरी, नहीं नहीं आप, अरे नहीं सर आप बेटर बता। नहीं 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 आप बताओ सर प्लीज। अरे जैसे पड़े रहते हैं एक साइड, उसके पास मतलब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो खड़ी हो, तो वहाँ पे स्किन जो है ना गल जाती है, जिसे हम कहते हैं लाग गए लग गए हैं। किसी भी जो गाय को जो उठ नहीं पाती उसको हो जाते हैं, क्योंकि ये यूरिनेट करते हैं, फिर वो यूरिन है, फिर वो स्किन से टच कर रहा है, वहाँ स्किन गीली रहेगी वो गल जाती है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। अब गर्मी आती है तो वहाँ मैगेट्स भी पड़ जाते हैं। क्या बोलने लगा मैं तुमसे, तुम्हारे वाली बीमारी लगती है मुझे। खैर मेरे को याद है, आज जो मेरे को बोलना था कल, जो तुमने कल बोलना नहीं, जो आज मेरे को बोलना था कल वाला नहीं याद है। मैं बोल रही थी कि क्योंकि हमारे जो वायर ट्रैप केसेस है ना वो बहुत बढ़ गए हैं, मेरे पास पे के लिए अभी पोस्ट ऑफ की जगह नहीं है ऑनेस्टली। जो हमारा मोगली आया था पिक ट्रैप केस, जिसको हम सोच रहे थे कि बहुत डीप नहीं है, लेकिन वो अब बोन दिखने लगी ना, वहाँ पे सडन हो रही है। तो हाँ, हम अब बचाने की नहीं सोच सकते क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा एंड श्योरिटी नहीं है, डॉग स्ट्रेस में है, तो हम एम्पुटेशन का डिसीजन लेने के लिए सोच रहे थे। ऐसा ही चलता रहा ना तो आप कांगड़ा जब आओगे आपको सारे कुत्ते 3 पैर वाले ही दिखेंगे, फिर ये इसी नाम से जाना जाएगा कि भाई देवभूमि हिमाचल एंड ट्राईपॉड कांगड़ा। हमारे पास भी 6 डॉग्स है जो ट्राईपॉड है। ये अच्छा नाम है सर, ट्राईपॉड कांगड़ा। अच्छा तो नहीं है यार, मतलब देखो तो सही, काफी तो नहीं है। गले में रस्सी फंस गई है और कट गया गला। अलग हो गया क्या? अलग नहीं हुआ, मतलब अलग लग गया है, जरा कट लग गया है। ये छुपा छुपा सा है, यहाँ से जाएंगे ना तो फिर भी आसान है, पीछे से तो मुश्किल ही लग रहा है, और पास जाते हैं ना तो भाग जाती है एकदम। कल हम भी आए थे तो हमसे भी नहीं पकड़ी गई, हम तो पूरा ऊपर से दौड़ते दौड़ते आए थे इसके पीछे। मैं आऊँ पास आपके, एक ही करना पड़ेगा। तो आप रेंगते हुए जाओगे या खड़े होके जाओगे? उधर देख ले, बस लाने दो, अब मत रोकना इसको। क्या हम कामयाब हो पाएंगे इस बैल को पकड़ने में? कामयाब हो गए हम तो।
सहेल क्या लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके आगे की? प्रतिक्रिया ये है कि थोड़ा दो मिनट और देख के जाते हैं रस्सी डालने। वही, ये तो बहुत आसानी से आ गया। टैग लगा हुआ है इसको? हाँ, टैग लगा हुआ है। टैग, अच्छा। ओह थैंक गॉड, फाइनली। कोई बात नहीं, पर आज हो गया ना। कीड़े बढ़ी हैं। टैग काट दिया, रस्सी नहीं काट सकता बंदा। ये तो इनकी मेहनत है, सुबह से वेट कर रहे थे, ये नजर रख इनका फास्ट है, ऊपर से सुबह से बैठे हुए थे यहाँ पे। सुबह से बैठी थी कि निकल ना जाए, कहीं भाग ना जाए। एक काम करते हैं ना, दो चार बंदे और बुला लेते हैं, उठा के ले चलते हैं। है मेरे पास और आदमी उदमी है, जेंट्स को लेके आ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, उसको बेहोश कर दिया, गाड़ी में डालना, बहुत खून निकल रहा है। जोर लगाइए, जोर लगाओ। लगी तो नहीं किसी को? कोई नहीं, नहीं आया यार, चाहिए जल्दी आओ ना यार। फोन पे फोन करते, काम करना नहीं, जल्दी करते हैं, एक्टिव हो रहा है ना तो भाई मचाएगा फिर। जल्दी आओ यार, एक्टिव हो जाएगा भैया। ओ मोबाइल वाले भैया, इधर आओ जल्दी, थोड़ा और आगे ले लो। लग गया भाई, थोड़ा सा खींच लो ऊपर से। अरे वो बाद में बताएंगे कैसे लग गया, अभी आप इसको खिंचवाओ। आप उधर हो जाइए, मेरे को जोर लगाने। हां आ जाओ। रेस्क्यू पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था, जस्ट आप लोग के कारण हुआ है ये जो भी हुआ है आज। हमारा सिर्फ 1% क्रेडिट है और 99% आप लोगों का है। रुक रुक के क्या कर रहे हो भाई? बहुत लेटा है, बैठ नहीं रहा ना, तो उसको बैठाना है। बैठाना जरूरी है? हाँ, क्योंकि गैस बन जाएगी ना, ब्लोट हो जाएगा। अच्छा, सफर लंबा है। क्या हुआ? अरे यार साहिल भाई, आराम से करो यार। बढ़िया बढ़िया, अब ये बांधा है। वैसे कितना डीप है अंदर से, नीचे से देखा है कुछ नहीं? 2 इंच तो होगा, कीड़े अंदर काफी ज्यादा है। टोटो आया है इसने बैल का हालचाल पूछने, कैसा है मेरे भाई? टोटो अब इसको रिव्यू दे रहा है कि भाई सब ठीक कर देंगे पीपल फार्म वाले। हैं टोटो, ज्योति क्या लग रहा है इसको देख के? अरे मतलब कितनी सीरियस इंजरी? क्या ऐसा कुछ? क्या 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 मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो ना। अरे बोल दो यार ये क्या हुआ, क्या है इसको? सर इसका गले में किसी ने ना पट्टू और रस्सी बांध के छोड़ दिया था इसको, जैसे कि तुम रस्सी उस दिन काट के आए हो। हाँ हाँ, बस सेम वही सीन। लेट हो गए इसमें, लेट हो गए यार। दादा इसको लगाइयो। बेटा मैं तेरे लिए कह रहा था कि इसको केज में मत रखो, केज में मत रखो इसको, चुड़ैल आत्मा को। पिछले कुछ व्लॉग से ना हमारे लाइक्स और कमेंट्स बढ़ गए हैं, जिससे हमारी बात अब और लोगों तक पहुंच रही है। और हम सारे कमेंट्स के जवाब तो नहीं दे पाते, पर मेरी कोशिश होती है कि भाई जिस भी दिन व्लॉग जा रहा है उस दिन रात को बैठ के मैं मैक्सिमम कमेंट्स पढूं, चाहे मैं जवाब ना भी दे पाऊं। और मोस्ट ऑफ द कमेंट्स से एकदम दिल ना प्रसन्न हो जाता है, बड़ी अच्छी बातें कहते हैं लोग। कई लोग नेगेटिव भी लिखते हैं पर उसको मैं इग्नोर कर देता हूं, पर कई कमेंट्स ना मुझे डरा देते हैं। भाई हम किसी गाय की मदद कर रहे हैं, नीचे लिख रहा है बंदा कोई कि भाई इसका गोश्त खाने में कितना मज़ा आएगा। हम किसी प्यारे से चूज़े की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई इस चूज़े को KFC में तल के खाने में कितना मज़ा आएगा। अब मुझे मीट खाने वालों से समस्या नहीं है, पर ऐसी बातें करने वाले निर्दयी लोगों का मुझे ये लगता है, इनकी शादियाँ होंगी, इनके बच्चे होंगे, तो ये अपने बीवी बच्चों के साथ क्या व्यवहार करेंगे और इनके पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या वैल्यूज़ होंगी। कहाँ जा रहे हैं दौलत राम जी? मैं हल्दी बोल रहे हैं, वहीं से जा रहा हूँ। जाम हल्दी बोल रहे हैं? हाँ। ये साहिल के पापा का घर है। अच्छा साहिल भाई, साहिल भाई शादी में गया है। ये देखो साहिल नया दादा। साहिल के अलावा जो हमारे एक और स्टाफ मेंबर अपना घर बना रहे हैं वो हैं ममता दीदी। इनका अच्छा खासा एक कच्चा घर है जिसे ये उखाड़ रहे हैं और बना रहे हैं पक्का घर। ममता जी लेंटर डालोगे आप? हाँ जी, कम से कम वरांडा स्लेट और मास्क का दिखाओ तो सही, अंदर से दिखाओ। मैं उधर से जाती, क्यों लगाई है ना चोट, दरवाजे से हम जाएंगे अपने घर। ये भैया हमारा घर देखो,
तो अब आप पक्का घर बनाओगे? हाँ जी भैया, बन तो गया, अभी पक्का कर रहे हैं। अच्छा, ये तो पहले से बहुत बड़ा हो गया, ज्यादा कमरे हो गए ना? हाँ जी भैया, रहेंगे ठीक ठाक, तो ऊपर भी उठाना है, दो कमरे ऊपर लगाने हमने। होम स्टे। ठीक है दीदी, बाय, शाम को मिलते हैं। फिर वो लोग हैं जो इस गांव के नहीं हैं, जैसे बिंद्रेश है। बिंद्रेश मेरे साथ तब से जुड़ा हुआ है जब हम दिल्ली में डॉग स्टरलाइजेशन करते थे, तब बिंद्रेश ने हमारे साथ डॉग कैचर जुड़ा था। अब ये और मैं कम्बुचा संभालते हैं, ये प्रोडक्शन देखता है, मैं क्वालिटी देखता हूँ। तो बिंद्रेश का जो घर है फार्म के साथ ही लगता हुआ है, और अब बिंद्रेश भाई साहब ने अपनी गाड़ी भी ले ली। कौन सी गाड़ी रखी है तुझे? मारुति जैन। इससे पहले तो तूने कुछ और रखा हुआ था, छोटा हाथी रखा था उसमें तो तू अपनी गाड़ी को टैक्सी की तरह यूज करता है। हाँ जी सर। ये है परी, पूजा। पूजा बिंद्रेश की वाइफ है, हमारे साथ ही काम करती है प्रोडक्ट्स में, ये भी एक्चुअली फर्मेंट्स में ही हेल्प करती है। वेट, हमारी वो मिसिंग है रिया। स्कूल गई है सर, 3 बजे आएगी। और ये बिंद्रेश ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तूने क्या रखा है? मैगी। मैगी कहने पर आ जाती है। इसको मैं जब दूर भगाता हूँ सर तो रोने लगती है परी। नाइस। कई बार हमें कहा जाता है ना कि भाई आप लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ करते, मुझे लगता है लोगों के लिए बेस्ट हम यही कर सकते हैं कि हम उन्हें एक ऐसा रोजगार दें जिसमें वो कुछ मुद्दे वाला अच्छा काम भी कर रहे हैं और साथ ही में उनकी भाई आमदनी हो रही है, उनका घर परिवार भी चल रहा है। हल्दी लगा रहे भैया यहाँ? अभी तो हल्दी काट रहे थे 2-3 दिन पहले। अब लगाना पड़ेगा भैया की तरफ से। तो ये तो हल्दी ही है ना पहले से? हाँ। तो हल्दी का बीज हल्दी ही होती है? हाँ जी, हल्दी का बीज हल्दी होगा और क्या होगा। ये बीज होता ही है, ये कौन सा वाला? ये बीज ही है सब पूरा ही। आज लगाओगे तो अगले साल इसमें हल्दी निकलेगी है। अब 16 तारीख का जो दिलचस्प वाक्य हुआ वो बताने से पहले मैं आपको बताऊं, 16 कोई हमारे यहाँ कस्तूरी और संकल्प छत्तीसगढ़ से आए, वो लोग एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं जो 10 साल से एनिमल रेस्क्यू कर रहे हैं, और कस्तूरी ने तो कॉलेज के बाद करियर चुनने की बजाय सिर्फ एनिमल रेस्क्यू ही चुना, वो वाटिका करके एक एनिमल सेंचुरी चलाते हैं, और हमारे यहाँ सीखने आए थे मैनेजमेंट। उसके अलावा एक व्यक्ति उज्जैन जो यहाँ से 1200-1400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से एक रेस्क्यू ले आया। अब उनकी हिम्मत को तो मैं दाद देता हूँ, पर उन्होंने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और ये सब कुछ रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन क्योंकि आजकल कैमरामैन विक्की हवा में ज़्यादा उड़ रहे हैं तो इसका जो ऑडियो है उसमें हो गई गड़बड़। अब उसको कुणाल ने काफ़ी हद तक ठीक तो कर दिया है, पर विक्की ने जो अंधेरा किया, कैसे किया, क्यों किया, ये आप ही लोग उससे कमेंट्स में पूछिएगा, क्योंकि आप ही लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, हम वाटिका एनिमल सेंचुरी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक शेल्टर रन करते हैं, और पीपल फार्म में हम कुछ ट्रेनिंग्स के लिए आए हैं सो दैट हम हमारे वर्क को और स्मूथ और ऑर्गेनाइज कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स तक हम पहुँच पाए। एक चीज वो ऐड करना चाहूंगा, ट्रेनिंग कोई हमारी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, कश्मीर के पास के पास बड़े सारे क्वेश्चन हैं, तो वो उनका सवाल ढूंढने, जवाब ढूंढने आते हैं, बड़े सारे आप सवाल भी लेके जाओगे। आप कहाँ से? दो उज्जैन से। सर आप कैसे भी क्या है? गाड़ी से। यहाँ पर कुछ काम से आ रहे थे या? नहीं मैं छोड़ने आया। छोड़ने आया। आपने किसी से बात की थी पहले? नहीं मैं यूट्यूब में देखता रहता। हमारा मेन काम है मतलब इंजर्ड एनिमल्स को यहाँ पर रखना और उनको ट्रीटमेंट करना। इसका होगा क्या? मैं मेरी मतलब मेरी फैमिली ही ऐसी है कि इसको बार बार बाहर रख देती है, कुत्ता खा लेंगे, मैं 3-4 बार तो मैंने ही बचा लिया। इस बारे में लेके आया फोन कर लिया, आपको इतना दूर आना। कल मैंने फोन किया तो थोड़ा रात को 9 बजे किया था, तो वो लगे नहीं रहता। भैया की यूट्यूब में देखता रहता हूँ। बीमार नहीं है ये? नहीं, इसको बढ़िया खाता है, पानी कम पीता, ये ऑयल एंड डी खाता है। तो अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो ये तो बीमार हो जाएगा। मैंने वही समझाया कि हॉस्पिटल है। भैया क्या करूँ बताओ, उसको कुछ खाने का मैं घर में रख नहीं सकता, आप ही अडॉप्ट कराओ ना। कहाँ, कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। मैंने 10-15 दोस्तों से पूछ लिया, कोई अडॉप्ट नहीं करा, मैं क्या करूँ, ये मर जाएगा। एनजीओ नहीं, कुछ भी नहीं है मध्य प्रदेश में, कुछ भी नहीं। अब छत्तीसगढ़ छोटा है उसमें हो सकता है, मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं। ये बात ये लास्ट है, अब मैं नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। दो तीन चीजें बता दो, एक आपका तो ये लास्ट होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ पपीज इकट्ठे करने लग जाएं तो आज शाम तक हम सारे पपीज से भर जाएंगे। ठीक है, अभी हम पपी लाए भी हुए हैं, जिसको जब इलाज हो जाएगा उन्हें छोड़ेंगे। हम लोग क्लिनिक हैं, चाहे वो आप बता दो, काफी से अपेक्षा है। अभी आप इतनी दूर से लाए हो, भेजना बड़ी ऑड बात है। मैं आपको लेकिन बता देता हूँ,
90% ये बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फैल रखा है डिस्टेम्पर। फिर आप कहोगे हम 1400 नहीं नहीं भैया मुझे कोई लेने, मतलब उससे मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। अगर नहीं बचता तो क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे स्वस्थ। आप देखो आप स्वस्थ आदमी, आप अस्पताल जाके रहो होटल की बजाय, हो गया बीमार ठीक है हम रख लेते हैं, घर मिल गया इसकी किस्मत। पर प्लीज अगर आप सोच रहे हैं कि आप आ जाएंगे, इसको हमने रख लिया है इतनी दूर से, आप मैं कह रहा हूँ पड़ोस वाले घर से आप आ रहे हो हेल्दी डॉग लेके, हम नहीं लेंगे। आप बीमार डॉग भी लेके आ रहे हैं, कोई भी एनिमल लेके आ रहे हैं, आप फोन करेंगे पूछेंगे हमारे पास जगह है तो ही ठीक है, नहीं तो फिर वही है कि मैं तो साफ मना करूंगा, फिर मैं बुरा बनूंगा तो बनूंगा। अबे कितना किराया लग गया वहां से यहां तक? कम से कम 30,000 रुपए। तो आप आए कैसे, ट्रेन से? मैं मेरी कार से आया, भैया की कार से। आप कार ड्राइव करके आए? मेरी किस्म जा रही है, इन्होंने रेंट पे करी थी। मतलब मैं मानता हूँ कि इनको वाकई में इसके प्रति बहुत लगाव है, तो कोई नहीं करता सर इतना। आप नॉन वेज करते हो क्या? नहीं नहीं अंडा खाता हूँ। थोड़ा अंडा खाना छोड़ो, थोड़ा कुत्तों के प्रति संवेदनशील, इतना थोड़ा मुर्गियों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाओ। ब्राह्मण अंडा खाता हूँ। और इस सिचुएशन में यार कोई ना लॉजिक नहीं देखेगा। हाँ ठीक है, अगर हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास हम लाइक हम हेल्दी डॉग नहीं रख सकते, तो लोग कहेंगे देखो वैसे बात करते हैं कि काइंड रहे, तो प्रैक्टिकल बात को ये नहीं सुनना चाहता, इसलिए हमें रखना पड़ रहा है कि भाई उनका भी दिल टूटेगा और हमारी बात कोई समझे। 1400 किलोमीटर से कोई वो ले आया पर मुझे लगता है काइंडनेस विदाउट इतना सेंटिमेंट वो बेहतर है। तो पपी को यही है, मेल है, ब्राउन है, क्यूट है, अगर डिस्टेम्पर नहीं हुआ उसको यहाँ पे तो अडॉप्शन हो जानी चाहिए जल्दी। पर ये अप्रिशिएटेड नहीं है ना, एनकरेज नहीं है, मतलब उनके भाव को तो मैं डेफिनेटली नमन है भैया, इतना उन्होंने किया, पर ये समझदारी वाला काम है। लेकिन ठीक है पैसे खर्च किए, भाव बहुत अच्छी भावना दिखाई उन्होंने, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आप पे डाल दी। हाँ मैं कहना नहीं चाह रहा था, पर इमोशंस की डेफिनेटली एक जगह है डिसीजन मेकिंग में, पर इमोशंस shouldn't be the only factor decision making. क्या कह रहे थे अभी आप? कह रहा है ये पपीता क्यूट है, इसको हाथ में पकड़ने का मन कर रहा है। कोई नाम नहीं, अडॉप्ट हो गया, पर गौरव इसको ले जा रहा है। चटोरी नो, ये चटोरी को गुर्रा रहा है। चटोरी नो नो, क्यों? पपी ब्रेथ तो ऑसम होती है। पपी क्या? पपी ब्रेथ, ब्रेथ बोल रहे सांस। एक सेकंड, तुमने पपी ब्रेथ, इसको पपी ब्रेथ नहीं बोला, कैमरा पकड़ना भाई कोई, तो विकी को पपी ब्रेथ का एक्सपीरियंस देंगे हम। आइए सर, ऐसा कुछ काटे वाटे नहीं काटेगा यार तुम, इतने पहले नंबर मेरा। चटोरी आपका लास्ट में ना, सूंगो ना, सूंगो इसको मैं, डर लगा।